कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। जी हाँ, यही हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले में। इस मामले से जुड़े होटल से वो कौन से सबूत बरामद हुए हैं जिसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं, चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सबूत दिखाता हूँ। और एक नया वीडियो जो आया है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की मौत के बाद शुरुआती दौर में यही खबरें फैलाई गई कि उनकी मौत आत्महत्या की वजह से हुई, लेकिन होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत से लोगों को यही शक हुआ कि आकांक्षा दुबे की मौत एक बड़ी साजिश है। आकांक्षा दुबे कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। जी हाँ, अब सच्चाई सामने आ गई है। आखिर उस होटल के अंदर में रात के अंधेरे में कौन सा शख्स घुसा था? जो शख्स पूरी तरीके से अनजान था और आकांक्षा दुबे की लाश जब कमरे में पड़ी थी तो वो किस अवस्था में पड़ी थी, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप एक दो लाइन में जान लीजिए कि आकांक्षा दुबे की लाश जो कमरे के अंदर पड़ी थी वो किस अवस्था में पड़ी थी, उसके बाद इस पूरे मामले को समझने में बेहद ही आसानी होगी। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के कमरे को जब चाबी से खोला गया, चाबी से खोलते वक्त होटल के मैनेजर और तमाम स्टाफ मौजूद थे और महिला कर्मी भी वहां पर मौजूद थी। जब उनके कमरे को खोला गया तो एक महिला कर्मी रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरीके से अवाक रह जाती है कि आखिर आकांक्षा दुबे के साथ ये क्या हो गया। आकांक्षा दुबे की मौत फांसी से, फंदे से, लटकने से हुई, ये पूरी दुनिया को बताया गया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि उस महिला ने और होटल के मैनेजर ने जो उस कमरे के अंदर देखा वो वाकई में इस बात की तरफ इशारा करता है कि आकांक्षा दुबे की मौत आत्महत्या की वजह से नहीं हुई। जी हाँ, उनकी लाश होटल के कमरे के बेड के बाईं तरफ बैठी हुई पाई गई। जी हाँ, कोई लाश बैठ सकता है क्या? कोई इंसान बैठकर आत्महत्या कर सकता है क्या? ये वाकई में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की लाश बेड पर बैठी पड़ी हुई थी। अब जानिए कि वो बैठी हुई किस अवस्था में थी। उनके गले में एक फंदा बांधा हुआ था, जो फंदा ऊपर में पंखे में बांधा गया था और आकांक्षा दुबे बेड पर बैठी हुई थी और उनकी जो लाश है वो फंदे से टिकी पड़ी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा वहां पर बैठी हुई है। अब भला कोई इंसान बैठकर फंदे से लटक सकता है क्या? ये किसी को भी हजम नहीं होगा। और इस लाश की अवस्था ने पूरी तरीके से इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है, इस मामले का पूरी तरीके से खेल बदल दिया है। अब जानिए कि उस रात में होटल के अंदर वो कौन सा शख्स घुसा था जो आज पूरी तरीके से पुलिस के रडार में है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने के लिए हर जगह छापेमारी कर रही है। दोस्तों, होटल के अंदर जो कुछ भी हुआ ये सबके सामने है। आकांक्षा दुबे ने होटल के अंदर ही आखिरी सांस ली और आकांक्षा दुबे के साथ जो कुछ भी हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन आकांक्षा दुबे के साथ काली कार में जो एक शख्स आता है, ये शख्स होटल के अंदर करीब 17 मिनट तक रहता है। होटल के अंदर नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे के कमरे के अंदर रहता है। कमरे के अंदर 17 मिनट तक वो शख्स क्या करता है? और बताया जा रहा है कि उस शख्स ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आकांक्षा दुबे को छोड़ने गया था। कोई इंसान किसी को 2 बजे रात में छोड़ने जाता है तो वो 17 मिनट तक वहां पर क्या करेगा? 1-2 मिनट रुक कर वहां से निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, 17 मिनट तक वहां रहा। और उस शख्स पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही किसी के इशारे पर आकांक्षा दुबे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। आकांक्षा दुबे मौत मामले की, इस मामले से जुड़े होटल के अंदर से वो कौन से सबूत बरामद हुए हैं जिसने पूरी तरीके से ये मामला मकड़ी की जाल की तरह उलझा दिया है? और होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत पुलिस को दिए हैं जिसने सबको चौंका दिया है? ये सब कुछ मैं आपके सामने लीक करने जा रहा हूं। जी हां, आकांक्षा दुबे जिस रात उस होटल के अंदर में मृत पाई गई थी, उस रात उस होटल के अंदर में वो कौन सा अजनबी घुसा था जो आज भी रहस्य बना हुआ है, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसके अलावा आकांक्षा दुबे के कमरे की वो चाबी किसके पास थी और जिसके भी पास थी उसे अब पुलिस तलाश रही है, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, आकांक्षा की मौत के बाद शुरुआती दौर में यही खबरें फैलाई गई कि उनकी मौत आत्महत्या की वजह से हुई, लेकिन वक्त बीतता गया और इस पूरे मामले से जुड़ी सच्चाइयां सामने आती गई। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में उस होटल के मैनेजर का कौन सा बड़ा बयान आया है और उसने वो कौन से सबूत को सामने रख दिया है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की मौत होटल के अंदर हुई और होटल ही सबसे बड़ा पुलिस का अड्डा है जहां से सबूतों को बरामद किए जा सकते हैं। मकड़ी की जाल की तरह उलझा हुआ जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, होटल के मैनेजर ने क्या कहा, होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत रखे हैं जिसके बाद से वाकई में इस पूरे मामले की जांच करना आसान हो चुका है। दोस्तों, होटल मैनेजर ने जो कुछ भी उस रात के अंधेरे में देखा उसने सब कुछ बताया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सबूत भी दिए और जिसके जरिए अब इस बात को
साबित किया जा रहा है कि वाकई में आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से आकांक्षा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे जिस होटल में रुकी थी उस होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत रख दिए हैं, उनका कौन सा बड़ा बयान आया है और उन्होंने कौन सा वीडियो बनाया है जिसने पूरी तरीके से इस मामले को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे शनिवार को रात के अंधेरे में करीब 2 बजे होटल के अंदर एंटर करती है और उसके साथ एक अनजान शख्स भी होता है। उनके हाथ में कुछ होता है और वो बैग के रूप में दिखाई देता है। उस दिन जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई उस दिन वो पार्टी में गई थी, उस दिन वो खुश थी। पार्टी से लौटते वक्त आखिर क्या हुआ, पार्टी से लौटते वक्त उनके साथ वो कौन सा आदमी मौजूद था और जब होटल के अंदर घुस रहा था तो आकांक्षा दुबे के बॉडी में वो कौन सी हरकतें हो रही थी, जिससे होटल के स्टाफ को भी शक हुआ कि आकांक्षा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इन तमाम चीजों पर मैं आज खुलासा करने वाला हूं। इसके अलावा आकांक्षा दुबे के बारे में होटल के स्टाफ ने जो सबूत रखे हैं उसने सबको चौंका दिया है। होटल को लेकर जो कई चीजें सामने आ रही है, होटल के स्टाफ जो बातें कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो भी फिल्म शूटिंग करने के लिए वहां गए थे आकांक्षा दुबे या फिर उनकी टीम के लोग, वो अच्छे से बर्ताव होटल के कर्मियों से नहीं कर रहे थे। देर रात आ रहे थे, शराब पी के आ रहे थे, क्या वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था? जो भी फिल्म में काम करने वाले लोग थे वो भी इस पूरे मामले में शामिल है, वो भी इस साजिश में शामिल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आकांक्षा दुबे के पिता ने रोकते हुए जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि समर सिंह को जल्दी से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा दुबे उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटे के समान थी और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी मेहनत के बल पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी, उस मुकाम को पाना किसी भी आम इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आकांक्षा दुबे ने ये सब कुछ कर दिखाया था, उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान फंदे से लटकता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। अगर दूसरे एंगल से बात किया जाए तो ये वजह कोई ना कोई खतरनाक वजह होती है, या फिर ये जो मौतें होती है इस मौत को आत्महत्या के शक्ल देने की कोशिश की जाती है, जबकि मौत के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे महज 25 साल की उम्र में आखिर अपनी जिंदगी को क्यों गंवाएगी? वो इस मुकाम पर है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई इंसान डिप्रेशन में जाएगा उनको काम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आकांक्षा दुबे फिल्म की शूटिंग ही कर रही है, उसी दरमियान वो होटल में रह रही है। ये सब कुछ सामने आने के बाद पूरी तरीके से इस मामले से साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आपने देखा कि सुशांत मामले में किस तरीके से हर रोज लोगों ने मुद्दे उठाए, सबूत इकट्ठे किए, तब जाकर पूरे मामले की जाँच CBI के हाथ में सौंपी गई। ये मामला भी बड़ी जाँच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दोस्तों, अगर आप भी आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।